नमस्कार। कौचिलियों के अगले चैप्टर में हम शुष्क प्रदेशों के बारे में, मुख्यतः रेगिस्तान के बारे में समझेंगे। अब जैसा कि हमने देखा इस टेबल में, जो कि हमने शुरू में लिया था जब हमने पहली क्लास समझी थी कौचिलियों की, तब हमने देखा था कि इसमें विभिन्न क्षेत्र हैं जो हमने समझे हैं। तो इक्वेटोरियल, मानसून और सूडान हम कर चुके हैं। जो अगला आज हम करेंगे वो है हॉट डेजर्ट या शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र। अब सबसे प्रमुख चीज़ जो कि शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में है वो ये है कि वहाँ पर वर्षा कम होती है और तापमान अधिक होता है। जब हम कहते हैं वर्षा कम होती है और तापमान अधिक होता है, तो वहाँ पर किस तरीके से गतिविधियाँ होती हैं जिसकी वजह से वहाँ पर शुष्क क्षेत्र बनता है, तो आज हम वो दो चीज़ देखेंगे। उससे पहले हम ये समझते हैं कि विश्व में कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन से प्रमुख रेगिस्तान पाए गए हैं। तो अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सबके पश्चिमी तटों पे हमें रेगिस्तान देखने को मिलेगा। तो अमेरिका के पश्चिमी तट पे, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे मोहेव रेगिस्तान है, दक्षिण में आपका अटकामा या पेरू रेगिस्तान है, फिर आपका अफ्रीका में नामिब, कालाहारी और सहारा, तीन प्रमुख रेगिस्तान आते हैं। सहारा के पास अरब में आपका अरेबियन रेगिस्तान आएगा या अरब रेगिस्तान आएगा, हिंदुस्तान में थार रेगिस्तान आएगा, ऑस्ट्रेलिया में आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान क्षेत्र आएगा। और ये आपके प्रमुख रेगिस्तान हैं जो कि शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र आते हैं। अब कुछ रेगिस्तानी क्षेत्र वो जहाँ पर वहाँ की जगह की वजह से, क्योंकि वह अंदर के हिस्सों में हैं, उस वजह से वहाँ पर रेगिस्तान बनता है, तो उनको मिडिल लैटिट्यूडनल डेजर्ट बोलते हैं। उसमें से पहला है आपका पेटागोनिया डेजर्ट। अब पेटागोनिया जो है वो एंडीज, जो माउंटेन चेन है यहाँ पर साउथ अमेरिका में, उसकी रेन शेडो साइड में पड़ता है। इसका मतलब सारी बारिश इस पहाड़ी के इस तरफ समाप्त हो चुकी है और जब बादल इस तरफ गए हैं तो वो सूखे हैं, इसलिए पेटागोनिया डेजर्ट ड्राई डेजर्ट है। फिर आपका मंगोल एरिया में आपका गोबी डेजर्ट आता है और गोबी डेजर्ट के पास में तुर्केनिस्तान डेजर्ट आता है। तो ये प्रमुख रेगिस्तान हैं जो कि आप देख सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ हम यहाँ समझेंगे वो ये है कि रेगिस्तान किस तरीके से बनते हैं। तो रेगिस्तान मुख्यतः पश्चिमी सीमाओं पर क्यों हैं, तो उसके तीन प्रमुख कारण हैं। पहला तो जब हमने देखा था कि ट्रेड हवाएं जो चलती हैं, जो ट्रेड विंड्स चलती हैं, वो इक्वेटर की तरह या भूमध्य रेखा की तरफ जब चलती हैं तो वो उत्तरी गोलार्ध में पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में इस तरीके से चलती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों ही गोलार्ध में अगर हम समझें यहाँ पर, तो इस तरफ जब बादल होंगे तो वो वर्षा करेंगे, पर जब तक वो पश्चिम की तरफ पहुँचेंगे वो सूखे हो चुके होंगे, इसलिए पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है। तो पहला कारण ये है कि जो प्रिवेलिंग ऑफशोर ट्रेड विंड्स हैं उसके कारण यहाँ पर सूखा रहता है। दूसरा, जो ठंडे करंट चलते हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका के पास में आपका चाइल करंट है या पेरू करंट है, जो कि आप समझ सकते हैं कि एक कोल्ड करंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, इन कोल्ड करंट के कारण यहाँ पर डेसिकेटिंग इफ़ेक्ट होगा। डेसिकेटिंग इफ़ेक्ट का ये मतलब है कि वो जो नमी है उसको ऊपर उठ के बादल नहीं बनने देगा। उसके कारण जो शुष्क प्रभाव होगा उसकी वजह से वहाँ पर बादल नहीं बन पाएंगे और उसकी वजह से यहाँ पर शुष्कता रहेगी या सूखापन रहेगा। अगला रहेगा जो आपका प्रमुख कारण इसमें है वो है सब्सिडेंस या नीचे की तरफ आना। तो जैसे जैसे सब्सिडेंस होता है, गर्म इलाकों में सब्सिडेंस के समय हवा शुष्क हो जाती है, सब्सिडेंस के समय या दबाव के समय जब हवा शुष्क हो जाएगी तो क्या महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर होगी कि जब वो बादल बनने के स्तर पे आएगी तब तक वो बादल पूर्णतः शुष्क होंगे और वो वर्षा नहीं करेंगे। वहाँ पर जो वेदर कंडीशंस होंगी वो क्लाउडलेस होंगी या स्टेबल होंगी। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं जो हम यहाँ देखते हैं। अब सबसे बड़ा रेगिस्तान जैसा कि हम समझ सकते हैं सहारा है। सहारा पूरे
अमेरिका की जो 50 कंट्रीज़ हैं, जो 50 राष्ट्र हैं, उनसे भी बड़ा है। उसके बाद जो 50 स्टेट्स हैं, सॉरी राष्ट्र नहीं, उनसे भी बड़ा है। उसका अगला है आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, जो सहारा का अगला बड़ा डेजर्ट है। उसके बाद आपका जो अटाकामा या पेरू डेजर्ट आता है, जो दक्षिणी अमेरिका में है, वो सबसे सूखा रेगिस्तान माना गया है। वर्षा 10 इंच से कम रहती है सभी रेगिस्तानी क्षेत्रों में। और जैसा कि हमने समझा कि शुष्कता क्यों होती है और इस इलाके में पश्चिमी तटों पे रेगिस्तान क्यों पाए गए हैं, उन दोनों का कारण हमने जाना। अब अगला है कि वहाँ पर किस तरह की वनस्पति पाई गई है। वनस्पति मुख्यतः कांटे और झाड़ की तरह पाई गई है। यहाँ पर कैक्टस प्रमुखता देखा जाता है। कैक्टस में एक जो मुख्य चीज़ वो है वो ये है कि जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटे बन जाती हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि जो ट्रांसपिरेशन के कारण पानी का लॉस होता है उसको रोक देती हैं। तो जितना कम एरिया होगा या जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना कम इवेपोरेशन होगा, और उसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक पानी को रोक के रख सकेंगे। कैक्टस सकुलेंट भी होते हैं, उनके तने मोटे पाए गए हैं। और इस इलाके में जितने भी बीज पाए गए हैं वो सब मोटे होते हैं और कठोर चमड़ी के होते हैं, जिससे वो विपरीत परिस्थितियों में भी रह सकें। यहाँ के जो पौधे हैं उनको ज़ेरोफिटिक कहते हैं। और अगली महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मिट्टी है उसमें नमक की मात्रा अधिक पाई गई है या सैलिनिटी ज़्यादा पाई गई है, इसलिए यहाँ पर हार्ड पैंस भी देखे गए हैं जहाँ पर बहुत सारा नमक एक साथ इकट्ठा हो जाता है। अब जब हमने क्षेत्र की बात की है रेगिस्तान के, तो रेगिस्तान के क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की ट्राइब्स या जनजातियाँ पाई गई हैं। तो अरब में जो पाई गई हैं वो बेडोइंस हैं। ये सबसे अच्छे नोमैड्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको नोमैड्स कहते हैं। इनका मुख्यतः जो कार्य है वो व्यापार है, और ये कैरावेंस या चलते हुए घरों में टेंट्स में रहते हैं। शुष्क इलाकों में कहीं जगह पे आपको पानी के क्षेत्र देखने को मिलेंगे, और इनको कहा जाता है ओएसिस। तलिफलत ओएसिस जो है वो सबसे बड़ा ओएसिस है मोरक्को का, और उसके अलावा गर्दमेसिन है जो लीबिया में पाया गया है। वहाँ पर पूरे ओएसिस के चारों तरफ एक तरह की दीवार बनाई गई है ताकि जो सीमूम हवाएं हैं उनको रोक सकें और वो डस्ट उस पानी में इकट्ठी ना हो, या वो रेती उस पानी में इकट्ठी ना हो। तो ये हो गए आपके बेडोइंस अरब के। ये कई जानवरों को पालते हैं जैसे शीप, गोट, कैमल, हॉर्स। अगला है कालाहारी रेगिस्तान में बुशमैन। ये बो और एरो दोनों काम में लेते हैं, धनुष और तीर। जो इनके तीर होते हैं उनके आगे विषैली चीज़ लगी होती है जिससे वो शिकार करते हैं। पानी ये मुख्यतः ऑस्ट्रिच के अंडे में रखते हैं, और कई बार ये ज़मीन से पानी लेने के लिए बहुत लंबा गड्ढा करते हैं, और हॉलो रीड से एक लंबी सी बांस की तरह डंडी होती है उससे ये पानी निकालते हैं। ये ज़्यादातर ग्रुप में रहते हैं और इनके ग्रुप को शर्म कहते हैं। बेडुइंस ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। ये भी एक तरह की नोमैडिक ट्राइब है। इनके पास जो स्टिक होती है शिकार करने की उसको बूमरैंग कहते हैं। ये जंगली कुत्ते पालते हैं जिनको डिंगो कहते हैं। वापस ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अब जैसा कि हमने देखा जितने भी जनजातियाँ पाई गई हैं जो विपरीत परिस्थितियों में रहती हैं वो ज़्यादातर ग्रुप में रहती हैं या इकट्ठा रहती हैं, रादर देन मतलब अलग अलग रहने की जगह वो एक बंधे हुए समुदाय में रहना पसंद करते हैं। इनके जो घर हैं इनको वर्लीज कहते हैं, या नॉर्मल छतें होती हैं। अगला है कौन कौन से जानवरों को ये पालते हैं। तो जो बेडोइंस हैं वो हॉर्स पे जाते हैं और उनके घरों को टेंट कहते हैं। सहारा के तुरांग जो हैं वो कैमल पे जाते हैं, और जहाँ वो रहते हैं वो है जरीबा करके, जो घास उगती है उस क्षेत्र में उसमें वो अपने घर बनाते हैं। और मंगोल्स जो हैं, जो गोबी रेगिस्तान में पाए गए हैं, वो हॉर्स पे जाते हैं, घोड़े पे जाते हैं, और वो अपने याक के ग्रुप को अपने साथ रखते हैं या उनका पशुपालन करते हैं।
और उनके घरों को यूर्ट कहते हैं, वो एक तरह का टेंट होता है। अब जो ऊँट है उसको रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। उसके पैर अनोखे होते हैं क्योंकि वो रेत में धंसते नहीं हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ऊँट के बारे में ये है कि वो पेट में पानी इकट्ठा करके रखता है ताकि दिनों तक अगर पानी नहीं मिले तो भी वो चल सके। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर खाने की कमी हो जाए तो वो अपनी कूबड़ में, अपनी हम्प में फैट इकट्ठा करता है जिससे वो काफ़ी दिन तक रह सकता है। अब जैसे जैसे सभ्यताएँ बदल रही हैं, ये भी यहाँ पर रहने वाले लोग भी नोमैडिक लाइफस्टाइल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमने की जगह एक जगह पे स्थिरता का जीवन पसंद करते हैं। तो उसी की वजह से यहाँ पर सिंचाई शुरू हुई। जो नील नदी का क्षेत्र है इजिप्ट में, वहाँ पर बेसिन इरिगेशन शुरू हुआ। मुख्यतः जो फसलें देखी गई हैं वो गर्मियों में चावल और कपास है, सर्दियों में आपका गेहूँ, बार्ले और बीन्स पाए गए हैं। पाकिस्तान में इंडस नदी, इराक में टिग्रस और यूफ्रेटस नदी, और कैलिफोर्निया में कोलोराडो नदी के आसपास के क्षेत्रों में जो है स्थिर रहन सहन पाया गया है। ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, और जो सबसे मुख्य केंद्र है उस शहर का उसको सुक कहते हैं या सेंट्रल मार्केट प्लेस कहते हैं। उसके आसपास जितनी भी सड़कें होती हैं, जितने भी रास्ते होते हैं, वो संकीर्ण रास्ते होते हैं। अगला है, यहाँ पर कई तरह के खनिज पदार्थ भी पाए गए हैं, जैसे सोना जो कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में पाया गया है, डायमंड और तांबा जो कि कालाहारी डेजर्ट में पाया गया है, सोडियम नाइट्रेट जिसको कैलिच भी कहते हैं अटाकामा डेजर्ट में पाया गया है, तांबा आपका क्विचिटामा, एंटोफागास्ता इक्वा और नवाडा यूएस में पाया गया है, फिर मेक्सिको में चांदी पाई गई है, उटाहा में यूरेनियम पाया गया है, और सहारा और अरब रेगिस्तान के क्षेत्रों में अत्यधिक तेल पाया गया है। इस तेल को लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। तो ये प्रमुख चीज़ें थीं जो शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों के बारे में हमने समझी। हम आगे की कक्षा में और अलग अलग क्षेत्र देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और भी लेक्चर्स लेंगे। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी हम आगे और लेक्चर्स लेंगे। हैव अ गुड डे।